नमस्ते जी, वैदिक राश में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्री गुरु जी और बंदा बहादुर के मिलन की घटना, इतिहास का निर्माण करने वाली घटना। आज के इस लेख के लेखक हैं राजेंद्र सिंह जी। आइए विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख, वैदिक भजन, नीतिगत कहानियां पंचतंत्र की आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति की खोज करने लगे जिसको वे भावी नेतृत्व सौंप सके। अपने दीवानों और सभासदों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने नांदेड़ के एक आश्रम में वर्षों से रह रहे वैरागी माधवदास को नेतृत्व सौंपने का मन बना लिया। भट्ट स्वरूप सिंह कौशिक बताते हैं कि सम्मत 1765 विक्रम अश्विनी प्रविष्टि तृतीया सितंबर 1708 ईस्वी के दिन सूर्य ग्रहण पर मेले पर गुरुजी सिख साथियों सहित समेत माधवदास वैरागी के डेरे पर पहुंच गए। मेला गोदावरी के किनारे लगा हुआ था, परंतु माधवदास डेरे में उपस्थित नहीं था। जब सांझ को वैरागी माधवदास गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद अपने डेरे पर लौटा तो उसके चेलों ने बताया कि प्रमुख अतिथि के सिखों ने डेरे के एक हिरण को और एक बकरी को और उसके दो बच्चों को झटका करके अपने लिए भोजन तैयार कर लिया है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती जीवन में जम्मू में रहने वाले लक्ष्मण दास को अपने हाथों शिकार में घायल एक गर्भवती हिरण की दयनीय अवस्था ने राजपूत से एक वैरागी बना दिया था। तब से वह वैराग्य को धारण करके अनेक स्थानों से होता हुआ नांदेड़ में आ बसा था। जब अपने आश्रम में चार प्राणियों के झटकाए जाने की बात को सुना तो उसने रोष से भर उठा हुआ और उसी भाव से गुरु जी के पास आया तो वैरागी का मनोभाव जानकर वे अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोले, माधवदास, हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम कहां गए हुए थे? वैरागी ने रोष भरे शब्दों में उत्तर दिया कि गरीब नवाज, मैं आपको नहीं जानता, आप कहां से आए हैं? यदि आप मुझे जानते हैं तो मेरी प्रतीक्षा कर लेते, ये प्राणी क्यों मारने पड़े? यह डेरा वैष्णव साधुओं का है। श्री गुरुजी ने प्रत्युत्तर में कहा कि माधवदास, हमारे से तुम्हारी पहचान एक बार ऋषिकेश हरिद्वार में हुई थी। उस समय तुम साधु मंडली में थे जिसका मुखिया उगड़नाथ योगी नासिक वाला था। जिस पर वैरागी बोला, महाराज, आप गुरु गोविंद राय हैं जिनके पिता ने दिल्ली में जाकर अपना शीष बलिदान दिया था। वैरागी का रोष कम होने लगा। जब श्री गुरुजी ने कहा कि हाँ, मैं उत्तर देते हुए कहा, माधवदास, तुमने पूछा है यह डेरा वैष्णव साधुओं का है, यहाँ क्यों प्राणी मारने थे? यह शंका मेरी निवृत्त करो। माधवदास, मुझे पता था इसीलिए ये प्राणी मारे हैं, वरना इन्हें मारने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ, वरना यहाँ से चले जाना जाता, यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? अंत में गुरु गोविंद सिंह ने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि देखो माधवदास, इन तीन चार जानवरों के मारने से तो मेरा आज तुम्हारा आश्रम भ्रष्ट हो गया। तुम्हें इस विशाल आश्रम हिंदुस्तान का पता कैसे नहीं चला? यहाँ मुस्लिम सत्ता द्वारा सैकड़ों हजारों मजलूम निर्दोष हिंदुओं को नित्य मारा जा रहा है। मैं केवल तेरा ध्यान दिलाने के लिए आया हूँ इस आश्रम में। वैरागी की अपने आश्रम के प्राणियों के प्रति व्यक्त की गई व्यक्तिगत पीड़ा श्री गुरुजी के इस व्यक्तित्व के प्रभाव से झलक पड़ी और राष्ट्रगत पीड़ा में परिणित हो गई। तुरंत वैरागी द्रवित होकर बोला कि मैं आज से दिलो जान से आपका बंदा हूं, मुझे आगे के लिए बताएं सेवा। इस प्रकार वैरागी पहले वाला माधवदास नहीं रहा। वह अपना मन, प्राण, सब कुछ त्याग कर, मान सम्मान त्याग कर श्री गुरुजी का सही बंदा बन गया और वह तब से बंदा वैरागी कहलाने लगा। वो अपना सब कुछ त्याग कर गुरु के दिखाए मार्ग पर चल पड़ा। भाई केसर सिंह छिब्बर अपनी रचना वंशावली नामा दशाम पातशाहिया का उसमें बताते हैं कि उसके बाद श्री गुरु ने अपने पास से सब आदमी दूर कर दिए और दोनों ने परस्पर मिल बैठकर गुप्त वार्तालाप किया। अतंतः वैरागी गुरु जी के चरणों में आ लगा और पाहुल दीक्षा लेकर गुरु का दृढ़ निश्चय सिंह बन गया और उसने गुरु साहिब से कहा कि मैं आपका बंदा हूं, आप हैं पूर्ण सदगुरु और मैं रे रक्षक। इस प्रकार श्री गुरुजी भावी नेतृत्व का भार उसे सौंपकर वहां से चले गए। वह आश्रम के बाहरी द्वार पर तक गुरुजी को विदा करने आया और फिर मुड़ गया। मुड़ते हुए उसने श्री गुरुजी से पूछा कि कितनी मुद्दत तक बात पर्दे में रखनी है। तब गुरुजी ने कहा कि 9 मास 10 दिन तक, इसके बाद जितना ठीक समझो। उसके कुछ दिनों बाद वैरागी माधवदास बंदा वैरागी ने श्री गुरुजी की आज्ञा के अनुरूप आश्रम हरिदास दक्षिणी को सौंपकर स्वयं उनके निवास स्थान पर पहुंच गया।
और दूसरे दिन भाई दया सिंह ने माधोदास से कहा कि संत सी तैयारी करें, आपको खांडे की पाहुल देनी है। उसके बाद श्री गुरुजी ने उसे अपने पावन हाथ से विधि पूर्वक खांडे की पाहुल देकर वैरागी से सिंह सजा दिया। पट स्वरूप कौशिक आगे बताते हैं कि सम्मत 1765 विक्रमी की कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन वैरागी माधोदास बंदा सिंह को पंथ का जत्थेदार बनाकर श्री गुरुजी ने उसे नायक भगवंत सिंह ब्रंगेश्वरी के टांडे में मध्यदेश पंजाब का प्राचीन नाम जाने का आदेश दिया और उसके हमराह भाई भगवंत सिंह, कोयल सिंह, बाज सिंह, विनोद सिंह, काहन सिंह ये 5 प्रमुख सिक्के उसके साथ भेज दिए। श्री गुरुजी ने बंदा सिंह को एक कृपाण, एक मुहर, एक तीर और एक निशान साहिब देकर पंजाब की ओर विदा कर दिया। निशान साहिब, एक मुहर, 5 तीर दिए, एक कृपाण दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी प्रेरणा लेकर सूरवीर बंदा बैरागी ने लगभग 9 मास के भीतर गुप्त रूप से एक बलिष्ठ सैनिक संगठन तैयार कर लिया। उसके बाद मुगलों को पराजित करना आरंभ किया। फिर उस सूरवीर ने गुरुजी के पिता, माता, पुत्रों के दोषी मुस्लिमों को समुचित दंड देकर सरहिंद की ईंट से ईंट बजा डाली और उसकी महान गाथा घटना की हमने पिछले वीडियो में भेजी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। इसी के साथ अन्य इस तरह के प्रेरणादायक वीडियोस के लिए, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय के लिए, उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक सिद्धांतों की व्याख्याओं के लिए वैदिक राष्ट्र YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।